धार्मिक पौधा है, हिंदू धर्म में मानता है, सब लोग इसे घर में लगाते हैं। तो आज मेरा वीडियो है तुलसी के पौधे के बारे में, टॉपिक है तुलसी के पौधे की केयर, ग्रोथ। तुलसी के पौधे में ये दो चीज़ जड़ों में डाल दीजिए, ये क्या है आप लोगों को मैं बता दूँ। ये आप लोग देख सकते हैं, एक ये हो गया और एक ये चीज़ हो गई। ये गुड़ाई करके आप जड़ों में डाल दीजिए, इससे आपका तुलसी का पौधा बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा। और एक चीज़ से आपका तुलसी के पौधे में जड़ों में डाल दीजिए, जो भी फंगिसाइड होंगे वो नहीं लगेंगे और तुलसी का पौधा आपका हरा भरा ग्रोथ होने लगेगी। बरसात के पहले ये काम ज़रूर करें। तो वीडियो देखिएगा पूरी, चलिए शुरू करते हैं। ये रहा मेरा तुलसी का पौधा। फ्रेंड वेलकम टू हमके गार्डन। तो आप सब कैसे हैं, अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मेरी वीडियो है तुलसी प्लांट के बारे में, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा ज़रूर कि कुछ खास टिप्स बताने वाली हूँ तुलसी प्लांट के बारे में, तुलसी पौधे को कैसे घना करें। बरसात आ गई है तो क्या चीज़ डालें कि तुलसी का पौधा बहुत ज़्यादा घना हो जाए, ढेर सारी पत्तियाँ निकालें, चलिए दिखाती हूँ। हैं हम अपने तुलसी के पौधे के पास और देख सकते हैं मेरा ये रहा तुलसी का पौधा, कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है और कितना सुंदर है हो गया मेरा तुलसी का पौधा। कितनी बड़ी बड़ी लिप्स निकाला है, सीजन है इसका। तो आइए वीडियो में जानते हैं, तो आप लोग भी बने रहिएगा वीडियो में। तो फ्रेंड सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि तुलसी का पौधा एक धार्मिक पौधा है, हिंदू धर्म में मानता है कि इसे अपने घर में सब लोग लगाते हैं, वास्तु के अनुसार से बहुत शुभ माना जाता है। बहुत सारी दवाइयों में लगने वाला पौधा है ये, आप लोग जानते हैं। खांसी जुकाम हो जाती है बच्चों को तो झट हम इसके तुलसी की पत्ती तोड़ करके और शहद के साथ खिला देते हैं, तो इससे बहुत राहत मिलती है। और तुलसी के पौधे की पत्तियां भोग में और तुलसी की पूजा हम नित्य, तुलसी के पौधे की नित्य प्रतिदिन हम इसकी पूजा करते हैं। तो आप लोग तो इतना जान ही गए हैं और जानते हैं हर घर आंगन में तुलसी का पौधा होता ही है और हमें लगाना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसी कोई नकारात्मक शक्ति नहीं आती अगर हमारे घर में तुलसी का पौधा लगा होता है। तो सबसे पहले बता दें हम इसको घना करने का कि बरसात के पहले हम अपने पौधे में ऐसी क्या चीज़ डालें कि पौधा हमारा बहुत ज़्यादा घना हो जाए, क्योंकि अब मानसून शुरू हो गया तो बारिश भी होने लगी है। तो बारिश में हर पौधे में अपनी केयर भी करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ इनमें से डालें कि ताकि जल्दी से इनकी ग्रोथ शुरू हो जाए। तो ये बहुत ज़्यादा देखिए ये इसमें मंजरी आने लगी है, अभी तक मंजरी नहीं थी फ्रेंड, अब इसमें मंजरी आने लगी है, आप लोग देख सकते हैं। तो इस मंजरी को आप लोगों को अगर बीज लेना है तो आप रखिए, अगर नहीं लेना है तो आप इस तरह से ये देखिए कितनी सारी मंजरी आ गई हैं, तो इनको इस तरह से हटा दीजिए, ये मंजरी आप इस तरह से कट कर दीजिए। ये मंजरी आप हटा देंगे तो आपका पौधा और ज़्यादा घना हो जाएगा, अगर मंजरी नहीं हटाएंगे तो आपका पौधा मंजरी निकाल के बीज बनेगा, बीज बनने के बाद ये बीज पक जाएंगे और फिर आपका पौधा धीरे धीरे सूख जाएगा। क्योंकि जो शक्ति हमारे पौधे की मिट्टी होती है, पत्तियों में ग्रोथ के लिए होती है, वो हमारे बीज बनने में लग जाएगी। तो जहाँ तुलसी के पौधे में बीज बनते हैं फिर उसके बाद पौधा ख़राब होने लगता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने पौधे को बीज नहीं बनने देना है, ये मंजरी को हमें ऐसे कट कर देना है, कट करेंगे तो और हमारा पौधा अच्छे से ग्रो हो जाएगा और घना हो जाएगा। दूसरी चीज़ हम अब बता दें कि जैसे गर्मी में किसी का तुलसी का पौधा सूखा है, उसमें पत्तियाँ नहीं हैं और आपकी जो टहनी है वो हरी भरी है, तो आप लोगों को गुड़ाई करना है। गुड़ाई करने के बाद थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है। मैं गुड़ाई नहीं करूँगी अपने पौधे की, क्योंकि मेरे पौधे में देखिए ये मिट्टी में छोटे छोटे तुलसी के ही बीज निकल आए हैं। तो मैं सोच रही हूँ जब ये थोड़ी सी और बड़े हो जाएं तो मैं हटा के दूसरे गमले में लगा लूँगी, उसी के बाद मैं फिर आप लोगों को ये गुड़ाई करूँगी। तो अब मैं इसकी गुड़ाई नहीं कर रही हूँ, आप लोगों को सिर्फ बता दूँगी। ये रहा तुलसी, ये है हल्दी, आप लोग देख सकते हैं, मैं डाल के आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। तो ये रही हल्दी, तो आप लोग हल्दी को डाल दीजिएगा जड़ों में गुड़ाई करके। तो जो भी तुलसी में फंगिसाइड होंगे वो तुलसी के जड़ों के, जो आपका तुलसी का पौधा है जो जड़ों में फंगिसाइड है वो नहीं लगेंगे, और लगे भी हैं तो वो हट जाएंगे अगर आप ये डाल देंगे हल्दी पाउडर। और एक चीज़ है फ्रेंड, गुड़ाई करके आप चाय पत्ती डाल दीजिए, इससे आपका पौधा बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा, ढेर सारी पत्तियाँ निकालेगा, जैसे मेरे में निकली हैं आप लोग देख सकते हैं। मैंने चाय पत्ती लगातार डाली है और आप इसका नतीजा देख लीजिए, कितना अच्छे से मेरा तुलसी का पौधा ग्रो हो गया, लहरा रहा। ये एक ही पौधा है, आप लोग देख सकते हैं, ये इधर तो सूखा है, इसमें से सिर्फ एक ही टहनी है, आप लोग देख लीजिए।
और ये एक है और एक ये छोटा बेबी जिसको मैंने नीचे से ही बोनसाई का रूप बना दिया है, नीचे से ही इसको घना बना दिया। एक छोटा बेबी है और ये छोटे छोटे बेबी अभी निकलने शुरू हो गए हैं। ये बीज इनमें से ग्रो हो गया है, आप लोग देख सकते हैं ये बीज ग्रो हुए हैं। अब ये बड़े हो जाएंगे तब मैं इन्हें अलग करके लगा लूँगी। तो आप भी अपने तुलसी के पौधे की इसी तरह से केयर करिए और एक बात का ज़रूर ध्यान दीजिए, मंजरी हटाते रहिए। मंजरी नहीं हटाएंगे तो तुलसी का पौधा ख़राब हो जाएगा, तो मंजरी हटाते रहिए। बस आप एक दो डाली छोड़ दीजिए जिसमें आप लोगों को बीज बनाना है। तो मैंने एक दो डाली छोड़ दी है, बाकी मंजरी ये देख लीजिए मैंने हटाई हुई है। तो आप लोग भी इस तरह से मंजरी हटा लीजिए फ्रेंड, और तुलसी के पौधे को घना बनाइए और अपने घर आंगन में तुलसी का पौधा ज़रूर लगाइए। आप लोग जानते ही हैं नित्य प्रतिदिन पूजा भी करते हैं, तो आप लोग अपने घर में तुलसी का पौधा ज़रूर लगाइए, बहुत ही शुभ माना जाता है फ्रेंड। तो आप लोगों को मेरी ये तुलसी का पौधा कैसा लगा और जो मैंने टिप्स बताई हैं आप लोग ज़रूर फॉलो करिएगा, केयर करिएगा, ऐसे तुलसी के पौधे को केयर करिएगा, तो आपका तुलसी का पौधा भी इसी तरह से हरा भरा ग्रोथ करता रहेगा, हिलाता रहेगा, क्योंकि अक्सर गर्मियों में तुलसी के पौधे सभी के सूख गए हैं। जो ज़मीन में लगे थे वो भी सूख गए हैं फ्रेंड। तो मेरा तो गमले में लगा है, आप लोग देख सकते हैं, जो ज़मीन में लगे थे वो भी तुलसी के पौधे लोगों को सूख गए हैं। मेरा तुलसी का पौधा इतने अच्छे से ग्रो हो रहा है, आप लोग देखिए, ये देख सकते हैं, ये रहा मेरा तुलसी का पौधा, कितना अच्छा है, कितना बेस्ट है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू माय गॉड, लव यू फ्रेंड। तो कैसा लगा कमेंट बताइएगा।